जितों तक प्राइम अक्यूज की गल आ अमृतपाल सिंह की वो तो कुछ अपडेट्स है और जो देखने आया कि उतों दौड़न तो बाद लास्ट के उत्ते शेखूपुरा हैगा एक जगह दीबे के लागे उत्थे भी एक गुरद्वारा साहब के लागे उन्होंने बाइक ली फिर काफ़ी देर कोशिश की कुछ दरिया क्रॉस करने वास्ते बेड़ी लभन की भी कोशिश की गई पर जो बेड़ी नहीं लगी इसके बाद जो मूवमेंट है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्रा में लोकेट हुई जो कि एक हमारे पास जो कस्टडी में है गुरतेज बेजा उसने भी इंटरोगेशन में बताया था कि कोई लेडी है जहाँ पे वो जाके हार्डवेयर ले सकता है। 19 तरीक को करीब रात में उसे पहुँचे हैं उसे रात रुके हैं उतों की भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने मिली है जिसे जोड़ा ये भी टोर देख रही है अमरेला लिया हुआ है फेस जोड़ा है वो नहीं है पर चाल तो पता लग रहा है कि वो जोड़ा अमृतपाल सिंह जितों तक प्राइम अक्यूज की गल आ अमृतपाल सिंह की वो तो कुछ अपडेट्स है जी लेटेस्ट गल सामने आई है वह रूट लगातार पुलिस ट्रैक कर रही है जलंधर रूरल पुलिस भी लगी हुई है उन्होंने नाल बाकी जोड़े साडे विंग्स आ वो भी हेल्प कर रहे हैं और जो देखने आया कि उतों दौड़न तो बाद लास्ट के उत्ते शेखूपुरा हैगा एक जगह बिलगे दे लागे उत्थे भी एक गुरद्वारा साहब के लागों इन्होंने एक बाइक ली फिर काफ़ी देर कोशिश की कि क्योंकि दरिया क्रॉस करने वास्ते बेड़ी लभन की भी कोशिश की गई पर जो बेड़ी नहीं लभी फिर जिहड़ा लाडोवाल के लागे एक पुराना पुल आ परले पास एक पुराना पुल हैगा लाडोवाल के लागे वो पुल क्रॉस करके उस तो बाद एक हार्डीज वर्ड जगह है वो लागों रात के टाइम के उत्ते पहला उतों आके ईवन लाडोवाल रेलवे स्टेशन के आस पास भी गए फिर ये जिहड़े नाले दे एसोसीएट सी ते उत्थों एक ऑटो लिया गया और अल्टीमेटली जिहड़ी इन्हां दी फर्दर जदों जदों असीं अगे अगे चले गए ट्रेल करदे गए तां लास्ट जिहड़ा सी हरियाणा दे विच जिहड़ी साडे कोल एक पुछगिछ भी आई गुरपेज भेजा जिहड़ा फड़िया सीगा उहने भी दस्सिया सीगा कि हरियाणा दे विच एक जगह दे उत्ते इन्हां ने ठार लई हो सकदी है और उस केस दे विच फिर एक लेडी आ बलजीत कौर जिहनूं हरियाणा पुलिस दे नाल सांझे ऑपरेशन दे विच उस लेडी नूं कस्टडी च लिया गया वो लेडी दी पुछगिछ तो अगे फरदर ये गल चली कि जिहड़ी 19 तरीक की रात सीगी उस रात नूं ये उहदे घर रुकिया कुरुक्षेत्र दे विच ये जिहड़ी लेडी आ ये पप्पलप्रीत नूं पिछले 2.5 साल तो जानदी सीगी बलजीत कौर आ लेडी दा नाम और इहने कहा कि 2.5 साल तो पप्पलप्रीत इहदे टच सीगा 19 तरीक नूं करीब रात नूं उत्थे पहुँचे है उत्थे रात रुके आ उत्थों दी भी एक सीसीटीवी फुटेज सानूं मिली है जिहदे विच जिहड़ा है उहदी तोर दिख रही है अमरेला लिया होया है फेस जिहड़ा है वो नहीं है बट चाल तो पता लग रहा है कि वह जिहड़ा है अमृतपाल सिंह है। सो इस लेडी नूं अरैसट किया है लेडी नूं अरैसट करन तो बाद हुण फरदर अगे जिहड़ियां साडियां टीम्स आ उहनूं अगे भी ट्रायल मतलब ट्रेल कर रही हैं इस नूं और मैनूं उम्मीद आ कि जिस अग्रैसिवनैस दे नाल सारियां टीम्स लगियां हुई हैं जल्दी इहनूं जिहड़ा वा लोकेट कर लिया जाएगा। इस केस दे विच जिस तरह मैं पहला दस चुका है कि हुण तक 207 बंदियां नूं डिटेन कीता सीगा जिच्चों 30 दी अरैसट पाई जाएगी हुण तक जिहड़े ने अमृतसर रूरल दे विच 3 केस रजिस्टर होए आ अमृतपाल सिंह दे खिलाफ जलंधर रूरल दे विच भी 3 केस रजिस्टर होए आ 12 दे करीब इस केस च वैपन मिले आ सानूं और फरदर इन्वेस्टिगेशन इस केस की जारी है। एक होर जिहड़ा है बंदा अरैसट किया है खन्ना पुलिस ने जिहदा नाम तजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम है उहदा उहदे विच FIR नंबर 23-22-3 नूं दर्ज की है उत्थे पुलिस स्टेशन मलौद दे विच और उहदी पुछगिछ तो और उहदे मोबाइल जिहड़े उहदियां डिटेल्स तो काफ़ी तत्थ इहो जिहे सामने आए आ जिथों ये पता लगता है कि ये लोग एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ दे विच इनवॉल्व सीगे जिहदे विच कुछ जगह दे उत्ते वीडियोग्राफ्स मिली हैं जिहदे च फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं जल्लूवाला खेड़ा नदी दे कंढे ते एक फायरिंग रेंज बना के उत्ते प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ इन्हां कोलों उहदे विच जिहड़ियां फुटेजिज जिहड़ियां उहदे विच फोटोग्राफ्स मिली हैं उहदे च जिहड़ी आनंदपुर खालसा फौज दे होलोग्राम्स बनाए हुए इन्हां ने वैपनज़ नूं खोलण जोड़न दियां कुछ
वीडियोग्राफ्स मिली हैं उस तो काफ़ी होर भी काफ़ी इस तो भी सेंसिटिव तो सीरीयस जोड़ा मटीरियल ये मिलया है जोड़ा इंडीकेट करता है भी ये जोड़े लोग आए एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ के इनवॉल्व सके और देश विरोधी जोड़े काम से होर भी कई तरह के कर रहे थे फरदर वो पूछगिछ जारी है। सो इस तरह के जोड़े हार्डकोर बंदे इनवॉल्व आ इस केस के उन्होंने खिलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस केस के हुण तक सारे पंजाब तो सारिया ने ही बड़ा योगदान दिता और सारिया वालों इस पूरे एपीसोड के क्योंकि यूथ जोड़ा पंजाब का वा आप सारे ने देखा जोड़े लोग 80 तो पहला दे पैदा हुए बड़ा माड़ा टाइम उन्होंने देखा है। सो जोड़े बच्चे 90 तो बाद पैदा हुए उन्होंने वक्त देखा नहीं असल वो करके उन्होंने पता नहीं है ये इंप्लीकेशन की है। सो ये सारे वास्ते एक लैसन भी है तद ही असी इस बहुत संवेदनशीलता के नाल देख के स्टैप लिया है कि भी किसी भी इनोसेंट नंग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो पूछ सकते एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इस केस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल पीसफुल है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब लगातार सब ऑफिसर्स से सबसे टच में है, पूरे जो ये एक्शन हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं और उनकी तरफ से उन्होंने थैंक्स किया है पूरे पंजाब निवासियों का जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में कम्युनल हार्मनी यूनिटी मेंटेन करके रखी है और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें किसी भी इनोसेंट को किसी केस में बुक नहीं किया जाएगा। जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं जो सही में क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी स्क्रीनिंग करके डिफ्रेंशिएट करके जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो यूथ है जो मिसगाइडेड थे इनोसेंट हैं पता नहीं है इशू का अगर उनको डिटेन किया गया है तो वार्निंग देके उनको छोड़ा जाएगा। इस केस में अब तक हमने 207 लोगों को इसमें डिटेन किया है, 207 में से 30 ऐसे लोग हैं जिनकी अरेस्ट डाली गई है अलग अलग केसेस में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। 177 ऐसे लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव तौर पे डिटेन किया गया है मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ एंड जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उनकी किसी केस में गिरफ्तारी विदाउट वेरिफिकेशन नहीं डाली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो 177 जो जिनको सिर्फ प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है उनको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा इस केस में। जहाँ तक अमृतपाल के जो ट्रेल का क्वेश्चन है उस केस में हमने काफ़ी हमारी टीम्स ने ट्रैक किया है, काफ़ी लोकेशंस पे सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं और उस केस में जो फर्दर आया कि शेखूवाल विलेज है बिलगा के पास वहाँ गुरुद्वारा साहब है वहाँ से भी बाइक चेंज की गई। उसके बाद जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए पहले बेड़ी जो है लेने की कोशिश की गई, जब नहीं मिली तो पुराना एक ब्रिज है वहाँ से क्रॉस किया। काफ़ी उस एरिया में घूमने के बाद एक हार्डीज वर्ड के पास ऑटो लेके फिर फर्दर मूवमेंट जो लोकेट हो रही है उसके बाद जो मूवमेंट है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्रा में लोकेट हुई जो कि एक हमारे पास जो कस्टडी में है गुरतेज बेजा उसने भी इंटेरोगेशन में बताया था कि कोई लेडी है जहाँ पे वो जाके हार्बर ले सकता है। तो वहाँ से अब हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से ये पता चला कि 19th की रात को दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल वहाँ रुके थे। पपलप्रीत करीब पिछले 2 साल से ऊपर के टाइम से उस लेडी का नोन है, काफ़ी बार पहले वहाँ पे ये रुक चुका है और उस दिन भी दोनों वहाँ पे गए थे काफ़ी देर रात वहाँ रुक के नेक्स्ट डे वहाँ से वो मूव किए हैं। फर्दर इसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो अमृतपाल है ये हमारी गिरफ्त में होगा। और इस केस का इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है जो बहुत देर से काफ़ी लोगों को ये आशंका थी कि शायद वो पुलिस कस्टडी में है, तो जितनी ट्रेल्स आ रही हैं जितने हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिल रहे हैं उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अभी उसको लगातार ट्रेल किया जा रहा है, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। एक और FIR खन्ना पुलिस ने रजिस्टर की है जिसमें एक तजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम का जो व्यक्ति है जो क्लोज एसोसिएट है अमृतपाल का उसको अरेस्ट किया है। उस केस में FIR नंबर 23 पुलिस स्टेशन मलौड में रजिस्टर की गई है जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है और उसके जो फ़ोन है उसी जो हमने उसका जो एनालिसिस किया
तो काफ़ी ऐसा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला जो कि एंटी नेशनल मटेरियल है, जिससे कई जगह पे वो फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोगोज हैं जो अकाल आनंदपुर जो खालसा फौज के बने हुए हैं, वेपन्स की प्रैक्टिस, वेपन्स को खोलना जोड़ना, वेपन्स का डिस्प्ले, ऐसी बहुत सारी फुटेजेस मिली हैं। इसके अलावा और इससे भी सेंसिटिव मटेरियल मिला है जो इंडिकेट करता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो पुलिस अपना पूरा एफर्ट कर रही है जो मेन अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो हमने बहुत ही सीरियसली कंसिडर करके ये डिसीज़न लिया है कि किसी भी जो यूथ है, मिसगाइडेड यूथ है, किसी को अननेसेसरी हरास नहीं किया जाएगा। और जो 207 लोग कस्टडी में लिए हैं उसमें से जो 30 लोग हार्डकोर हैं उनकी अरेस्ट डालने के बाद, जो 177 प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए गए उनकी स्क्रीनिंग करके जल्दी उनको रिलीज किया जाएगा। सर ये कहा जा रहा है कि अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, कुछ नहीं, हमने जैसे ही हमें पता चला कि वो पंजाब से बाहर चला गया है तो सारी बाकी स्टेट पुलिस जो है, बाकी स्टेट्स की जो पुलिस है उनको हमारी तरफ से अलर्ट चला गया है। हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उसकी जो मूवमेंट है कहीं भी हो सकती है, हरियाणा से किसी तरफ भी जा सकता है। हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं उसमें, जैसे जैसे हमने कुरुक्षेत्र तक जो हमारे सारी फुटेजेस हमें मिली है तो आगे भी हम इसको प्रॉपर स्क्रीन कर रहे हैं कि कहां कहां तक जा सकते हैं। हाँ, ऐसा वो फैक्चुअल है, वो किसी वहां पे कोई एसडीएम लेवल के ऑफिसर है, उनके ऑफिस में रीडर लगा हुआ है। जिस तरह तुसी देखा कि पग बनी हुई है, गॉगल्स लगाइया हुई है, अलग अलग अनएक्सपेक्टेड चीजा चढ़ के वो जा रहा है, फुटेजेस आ रही है। सो जो चीजा ने जिहड़े बंदे ड्यूटी ते हुंदे आ जां जिहड़े बंदे चैकिंग कर रहे हुंदे ओह एकदम उन्हां नूं अंदाजा नहीं लगता इस चीज़ का। पर एफर्ट जिदा मैं कह रहा कि लगातार जिहड़ियां सीसीटीवी फुटेजेस भी तो पूरा एफर्ट करन दे बाद मिल रही हैं, सो इहनूं लगातार ट्रैक कर रहे हैं। अब तक जो वहाँ पे उसने जो हमें प्रिलिमिनरी बताया कि हुलिया अभी सेम है, टर्बन बांधी हुई थी, गॉगल्स लगाई हुई थी, लेकिन जो उसकी मुस्टैचेज हैं उसको उसने फिक्स किया हुआ था बियर्ड के साथ। तो ये उनकी पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है। सर, नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूछताछ नहीं है, बिकॉज उसके जो हमने कुछ लेडी ऑफिसर्स उनके रेजिडेंस पे गई थी और उनसे बातचीत की है, उनकी पत्नी से, उनकी वाइफ से, लेकिन वो एक कई उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते। बट ऐसा किसी को हम लोग अननेसेसरी हरास नहीं करेंगे।